हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर कार्बोहाइड्रेट क्लास 12th. ये क्लास 12th के कार्बोहाइड्रेट का वीडियो नंबर 4 है. इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट, पिछले के वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट को वर्गीकरण करिए, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, इन सब हम प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं. तो जनरली बस हम हल्का सा डिस्क्रिप्शन आपको दे देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इज अ टाइप ऑफ सबस्टेंस विच गिव्स एनर्जी टू अस, यानी कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर को एनर्जी देता है. अब उसकी जो केमिस्टिकल डेफिनेशन है उसकी बात अगर हम करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है. पॉली का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, मतलब चार पांच से ज्यादा, और हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH, हाइड्रोक्सी का मतलब है OH और एल्डिहाइड का मतलब है CH और O. एल्डिहाइड मींस सिंगल बॉन्ड CHO, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड OH, पॉली का मतलब जिसमें नंबर ऑफ OH एटम मोर देन 4 और 5 हो, तो उसको बोला जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी. उसी की हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की. ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ सबस्टेंस विच गिव्स एनर्जी टू अस, यानी ग्लूकोज एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर को एनर्जी देता है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बीमार वगैरह पड़ जाएंगे तो आपको ग्लूकोज चढ़वाया जाता है ताकि आपके शरीर में एनर्जी बनी रहे. तो उसी की हम बात कर रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के प्रॉपर्टीज के बारे में, ग्लूकोज के गुण के बारे में. तो ग्लूकोज के दो प्रकार के गुण होते हैं बच्चे, दो प्रकार के उनकी प्रॉपर्टीज होती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज. पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण. जैसे ग्लूकोज सफेद कलर का होता है, ग्लूकोज इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ग्लूकोज सफेद रंग का है. ग्लूकोज जी खरीद लीजिए, जो जो उसका गुण है, जो जो उसकी प्रॉपर्टी है, वही ग्लूकोज की प्रॉपर्टी है. तो ग्लूकोज व्हाइट कलर का होता है, पहली बात. ग्लूकोज इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये पहला प्रॉपर्टी है उसकी. दूसरी प्रॉपर्टी, ग्लूकोज पानी में घुल जाता है. अरे भाई, उस ग्लूकोज को हम पानी में ही तो घोल के पीते हैं. तो ग्लूकोज आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी जो ग्लूकोज होता है वो पानी में घुल जाता है. दूसरी बात, लेकिन दारू में नहीं घुलेगा. अगर आप दारू में ग्लूकोज डी मिला करके पीना चाहते हैं और चाहते हैं एनर्जी आ जाए तो ये संभव नहीं है. ईथर में भी वो नहीं घुलता है, मतलब ज्यादा वो नहीं. अच्छा, तीसरी बात, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक, the melting point of glucose is 146 degree Celsius, यानी ग्लूकोज का जो गलनांक है वो 146 डिग्री सेल्सियस होता है. और ग्लूकोज दक्षिण ध्रुव गुणक है. इस पॉइंट को भी हम आगे समझेंगे कि व्हाट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, यानी दक्षिण ध्रुव गुणक क्या होता है. तो ये उसकी प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण. हमें बेसिक बात करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के रासायनिक गुण. तो बढ़िया समझेंगे आप, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज. हमें बात करनी है ग्लूकोज के रासायनिक गुण की, ग्लूकोज के रासायनिक गुण की. तो आइए हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज. केमिकल प्रॉपर्टी, अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, यानी एक ऐसा गुण इन विच द सबस्टेंस विल बी चेंज्ड, यानी एक ऐसा गुण है ही जिसमें पदार्थ को जो है ना हमें बदल देना है. माने ग्लूकोज है, उसको आपको चेंज करना है. मान ली कौन आदमी है, अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको बदलनी है तो आप उसके ऊपर तेजाब फेंक दीजिए, वो बदल जाएगा बंदा, वो आदमी चेंज हो जाएगा, वो आदमी पहले जैसा नहीं रह जाएगा, उसकी सारी खाल जो है ना गिर जाएगा. तो बताइए, वो पहले के जैसा आदमी नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज बदल गई. दिस इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी रासायनिक गुण वो होता है जिसमें सबस्टेंस चेंज हो जाता है. द केमिकल प्रॉपर्टी इज अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इन विच द सबस्टेंस विल बी चेंज्ड, यानी जो पदार्थ होता है वो चेंज हो जाता है. तो आइए हम अब ग्लूकोज पे अलग अलग चीजें डालेंगे और उसको चेंज करेंगे अलग अलग रूपों में. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यानी सबसे पहले
आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जानना होगा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो याद करेंगे आप। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये बनाया कैसे गया था। फिलहाल के लिए ये रहा CHO और यहां है बच्चे CH सिंगल बॉन्ड OH और CH सिंगल बॉन्ड OH और लास्ट में CH2OH। This is the structure of glucose. ये ग्लूकोज का बॉन्डिंग फॉर्मूला है, बंधन सूत्र है। C6H12O6 उसका फॉर्मूला होता है। C6H12O6 मतलब 6 कार्बन एटम, 12 H12 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गए, O6 O6 तो देखा आपको दिख ही रहा है। This is the bonding structure of glucose. अब हम इस ग्लूकोज पे डिफरेंट रिएजेंट्स को, अलग अलग पदार्थों को डालना है और देखना है कि क्या बनेगा। तो आइए इस CHO को, इसको बोलते हैं बच्चे एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच। और आप बस जान लीजिए कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बहुत प्रेम करता है, ऑक्सीजन इज हाईली अटैचेबल टू हाइड्रोजन। ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को देखते ही उसका लार टपकने लगता है, ऑक्सीजन वांट टू अटैच विथ हाइड्रोजन एटम, यानी ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से जुड़ना चाहता है। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर HOCN, जैसे अभी हमने अभिक्रिया करवाया, ये तो आपका ग्लूकोज है, आपको बताया ही मैंने, दिस इज द बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसको हम बोलते हैं बच्चे हाइड्रोजन साइनाइड, इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। तो पहला फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड, जब ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करता है, तो तू बताओ ऑक्सीजनवा हाइड्रोजनवा बहुत प्रेम करता है, ये करता है, तो जब बहुत प्रेम करता है तो जैसे ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देखेगा तो ऑक्सीजनवा हाइड्रोजनवा को खींचने का ट्राई करेगा, तो ये इनसे जो है चक्कर चलाना शुरू किया, यानी आप मान के चलिए एक लाइनियाना शुरू किया, और उसको बोला जाता है केमिस्टिकल भाषा में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन अट्रैक्टेड टू दिस हाइड्रोजन एटम, हाई ऑक्सीजनवा हाइड्रोजन खींचा था, आओ बाबा इतना ही, अबे आओ यार, अबे आओ आओ आओ, आओ मेरे तरफ पास आओ, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को खींच रहा है और इहो से जुड़ल चाहती है, तो बताओ जब दोनों जुड़ल चाहतन है तो मतलब के रोक नहीं पाएगा, तो इस नाते ये हाइड्रोजन एकरे पास जाके जुड़ जाता है, यानी देखिए कुछ ऐसे बन जाएगा सी सिंगल बॉन्ड एच हाई हो गए सिंगल बॉन्ड ओ एच, सिंगल बॉन्ड सी एच ओ एच, सिंगल बॉन्ड सी एच ओ एच, सिंगल बॉन्ड सी एच ओ एच और सिंगल बॉन्ड सी एच ओ एच और लास्ट में बनेगा बच्चों CH2OH। तो बताओ हाई हाइड्रोजन में जाके यहां ओ से जुड़ गया। कार्बन आप देखोगे, कार्बन हैज एबिलिटी टू मेक 4 बॉन्ड्स, यानी कार्बन में 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। आज जब बतावा हाई ऑक्सीजनवा इनसे एक बंडवा टूट गया तो कार्बनवा बेचारा के दिक्कत हो गया, कार्बन में 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता थी, यहाँ 3 बॉन्ड बना दिया है, तो कार्बनवा ऑक्सीजनवा कोस रहा है कि अरे हमारा ऑक्सीजन ही का कर दिया हमारे साथ, तो इस नाते इो रो रहा है, और एकर बताओ एकर घरवा कौन भाग जाएगा, इो रोएगा, ए नाते इो रो रहा है दोनों रो रहा है, ए नाते हाई वाला ये वाला कहता है चल बाबा रोना धोना बंद करते हैं और हम दोनों एक नया बॉन्ड बना लेते हैं, ये CN ये कार्बन के साथ जुड़ करके एक नया बॉन्ड बना लेता है CN, या CN देखिए जो भागी थी ना, तो ये जाके वही जुड़ गए, इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, इसका नाम है। तो पहला गुण, जब ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड से गुण क्रिया करता है तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड देन इट फॉर्म ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, तो ये पहला रिएक्शन है जो मैंने आपको समझाया। तो बताइए ग्लूकोज बदल गया कि नहीं बदल गया, बदल गया, कोई दूसरा कंपाउंड बना लिया, तो दिस इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, इसको बोला जाता है ग्लूकोज का रासायनिक गुण। तो एक हमने आपको करके दिखाया। दूसरा वाला सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, व्हेन ग्लूकोज यानी जब ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमीन से अभिक्रिया करता है, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन, जैसे एज एन एग्जांपल NH2OH,
व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन। हम सबका नाम लिखते जाएंगे ताकि आपको याद रहे, हाइड्रोक्सिल अमीन। व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन, यानी जब ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमीन से अभिक्रिया करता है। भाई पीछे बताए थे, बताओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत प्रेम करता है किससे, हाइड्रोजन से। तो बताओ जो दूसरा कंपाउंड है वो उसमें हाइड्रोजन है कि नहीं है, बिल्कुल है, देखिए हाइड्रोजन है। तो ई ऑक्सीजन वहां फिर लाइनी आना शुरू किया, किसको, हाइड्रोजन को। तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को धीमे धीमे इशारा करेगा कि आओ बाबा, इतने नहीं चाहू कहेगी आवता नहीं, आवता नहीं। इस नाते ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा। अच्छा बताओ, जब ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन के पास शादी करने की दो एबिलिटी होती है, यानी नेचर ने ऑक्सीजन को कहा जो भावा दो शादी करी होते, आदमी खाली कही के बजाय कि एक शादी करी हो, लेकिन कुछ कुछ आदमी है जो उनको गड़बड़ा दे रहे हैं मामला, एक से ज्यादा शादी कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन हैज एबिलिटी टू मेक टू बॉन्ड्स, मतलब ऑक्सीजन में दो बॉन्ड बनाने की प्रोबेबिलिटी एबिलिटी है। तो अब बताओ जब ऑक्सीजनवा बहुत प्रेम कर रहा है इसे हाइड्रोजनवा से, तो बताओ काहे वो एक के हाइड्रोजन खींची, कहेगा दोनों मेरा रूम हाइड्रोजन में रखेंगे। इस नाते इस ये जो ऑक्सीजन है वो दोनों हाइड्रोजन को खींच लेता है और लेकर के कहीं किनारे हनीमून पे चला गया मनाली ओनाली, H2 हो गई। और बाद जो बच गया सी सिंगल बॉन्ड एच हो गया, हाइड्रोजन चरवा भाग गए सी, और फिर नीचे वाला जो बाबू रहा वो तो वैसा रहेगा, सी सिंगल बॉन्ड एच ओ एच, सी सिंगल बॉन्ड एच ओ एच, सी सिंगल बॉन्ड एच ओ एच, सिंगल बॉन्ड सी एच टू एच। तो बताओ हाई बेचारे के है कर्मनवा के चार बॉन्ड बनाना था, अब हाई तो भाग गया, तो वो कहेगा कर्माटीला को भाग गया कान कहा, अब हमारा क्या होगा। कार्बन हैज एबिलिटी टू मेक फोर बॉन्ड्स, और ये वाला कार्बन अब दुइया बॉन्ड बनाया है तो बैठ के छाती पीट रहा है, रो रहा है वो। अब हाइयो रो गया, रोएगा नहीं रोएगा, यो रोएगा क्योंकि एक करो गर्मा के तो भाग गई है, ये नाते यो रो रहा है, मतलब हाई H2 हटा देंगे तब रोएगा कि H2 भाग गए लेके। हाँ तो कौन रोएगा, N और OH खूब रच के रो रहा है, यहाँ कार्बनवा रो रहा है। तो फिर दोनों मिले रोते रोते एक दूसरे से गले मिल जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भाई चल अब हम तू और मिलके नया बॉन्ड बनाएंगे। और वो ये NOH जहाँ ही ओ चुट्टा दास भागे रहे थे वहीं जाकुन जाके जुड़ जाता है। देखो H2 था ही ऑक्सीजन वा सातवां भाग गया रहा ना, तो बचल का N और OH बच गया, वहीं जाके जुड़ गया। This compound, यानी हम इसको गुड़ दूसरा गुड़ लिखेंगे। When glucose react with hydroxyl amine, जब glucose hydroxyl amine से अभिक्रिया करता है, then it form glucose oxime, हेकर नाम है glucose oxime, इसका नाम है glucose oxime। यानी जब ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमीन से क्रिया करता है तो ग्लूकोज ऑक्सिम का निर्माण करता है, और इसका फॉर्मूला ये रहा, और ये H2 बाहर हो जाता है। ये दिस इज द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है। तो ये देख लीजिए, आप समझ लीजिए बढ़िया से। अच्छा थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी बताइए, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, चेंज हुआ तो इसका मतलब ये केमिकल प्रॉपर्टी है, अगर चेंज नहीं होगा तो ये केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बाण इनसे कह दो भाई अत्य सफेद बड़ा उज्जर लगा था भाई, तुम बहुत सफेद दिख रहे हो, तो वो बताओ ये बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो जो उसका कलर बताना वो भौतिक गुण होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि उसको बताने के बाद वो बदल नहीं रहा। तो ये हो गया दूसरा NH2OH से अभिक्रिया। आइए अब आगे अभिक्रिया करेंगे, आगे हम अभिक्रिया करा रहे हैं, इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे, क्या कराएंगे ऑक्सीकरण, इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे HNO3 की उपस्थिति में। HNO3 एक ऐसा रिएजेंट है जो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीकृत करेगा। अच्छा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि या तो हेमंत ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और या तो उसे हाइड्रोजन निकाल लेगा। ऑक्सीडेशन मींस इफ आफ्टर ऑक्सीडेशन द कंपाउंड लूज हाइड्रोजन एटम और गेन ऑक्सीजन एटम,
यानी जो जब कोई एलिमेंट का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो या तो वो ऑक्सीजन उसे निकल जाएगा, सॉरी गलती, या तो ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाएगा और या तो हाइड्रोजन निकल जाएगा. दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एनी कंपाउंड. तो हमने कहा कि ये मान लीजिए कंपाउंड था, उसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे. ऑक्सीडाइज का मतलब हो गया या तो ऑक्सीजन को जोड़ देंगे और या तो हाइड्रोजन को निकाल देंगे. तो चलिए आइए, तो हमने ऑक्सीजन को यहां ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो इसके बाद दो प्रोबेबिलिटी. पहली प्रोबेबिलिटी या तो हाइड्रोजन को निकाल दे, दूसरी प्रोबेबिलिटी या तो ऑक्सीजन को जोड़ दे. तो देखो हाइड्रोजन तब निकलता है जब जवन मेन ग्रुप है उसके पास H2 होना चाहिए. अगर उसके पास H2 है तब वो जो है मेन कार्बन एटम्स मेन कार्बन एटम के पास अगर H2 होता है तो वो H2 बाहर निकाल देता है, और अगर मेन कार्बन के पास H2 नहीं है तो वो H2 नहीं निकालता है. तो हमने दो बातें कहनी है. पहली बात, इसमें मेन कार्बन एटम कौन है बताओ, कि वो घर में अगर घुसना होगा तो बताओ बीचवास नाइन घुस जाइए, या तो हे किनारे घुसो या तो हे किनारे घुसो, चाहे आगे घुसो चाहे पीछे घुसो, ये दो टो प्रोबेबिलिटी होती है. ये केमिस्टिकल रीजन आप देखोगे तो ये जो है असममित कार्बन परमाणु अनसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इनकी जो अस्थायित्व है वो ज्यादा होती है, और इनका और इसका अस्थायित्व ज्यादा नहीं होता है. यह नाते है जो HNO3 है ना, ये इन इसको और इसको दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता है. अब बहुत भयानक ऑक्सीडेशन ऑक्सीकारक है HNO3, मारता है तुरंत, तार देता है फोड़ फाड़ देगा तुरंत है. तो HNO3 इज अ वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ड्यू टू दिस HNO3 ऑक्सीडाइज बूथ कार्बन एटम, ऊपर वाला और नीचे वाला, आगे वाला और पीछे वाला, दोनों उनके ऑक्सीडाइज कर देगा. तो हमने कहा ऑक्सीकरण का मतलब क्या, या तो हाइड्रोजन वहां निकल जा और या तो ऑक्सीजन वहां जुड़ जा. तो बताओ हे में क्या एक पास H2 है, कवर नहीं गुरुदेव, हाइड्रोजन एक तो H है खाली, दो तो नहीं है, यह नाते हेमन से एक तो ऑक्सीजन वहां जाके जुड़ जाएगा और COOH बना दिया. देखा भाई एक और रहा, एक और जुड़ गए, COOH हो गया. नीचे जो था ये सब इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने के कारण ये सममित कार्बन एटम है, असममित कार्बन परमाणु. अभी आगे आप समझोगे, इस नाते वो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं जाएगा. नीचे वाले में आप बताइए हेकरे पास H2 है कि नहीं है, तो कहोगे हाँ बिल्कुल है H2 है भाई. तो H2 जो है बाहर, हाइड्रोजन को यहां रिलीज कर देगा, बाहर कर देगा, और एक ऑक्सीजन वाला जो बचल एम जाके जुड़ जाएगा, यानी ये बना लेगा COOH, यानी HNO3 बहुत भयानक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ड्यू टू दिस यानी ऊपर वाला भी कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया और नीचे वाला कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, और इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्लूकोसैकरिक अम्ल. क्या नाम है इसका, ग्लूकोसैकरिक, यानी ग्लूकोसैकरिक एसिड, ग्लूकोसैकरिक अम्ल, ग्लूकोसैकरिक अम्ल. तो ये इसका नाम है ग्लूकोसैकरिक अम्ल. तो सिंपल है, देख लिया आपने, अरे ग्लूकोज आ रहा, HNO3 बहुत भयानक ऑक्सीकारक है. ऑक्सीकारक का मतलब होता है या तो हाइड्रोजन निकाल देगा, और या तो हाइड्रोजन मतलब H2 निकाल देगा, या तो ऑक्सीजन जोड़ देगा. हेकरे पास हाइड्रोजन नहीं रहा, नाते एमन ऑक्सीजन जुड़ गया. इनके पास हाइड्रोजन रहा तो हाइड्रोजन वहां निकालू दिया और ऑक्सीजन वहां जोड़ू दिया, तो उसके बाद बन गया ग्लूकोसैकरिक अम्ल. थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नाइट्रिक एसिड HNO3 की उपस्थिति में कराया जाता है. व्हेन ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, when glucose gets oxidized in the presence of HNO3, then it form glucosaccharic acid. ये रहा glucosaccharic acid का formula. ये रहा तीसरा, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज. तो ये हमने देख बताया चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी, इसको केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे. तो तीसरा रहा, चौथी केमिकल प्रॉपर्टी, चौथी में Br2 से अभिक्रिया करवा देंगे, Br2 plus KOH की उपस्थिति में इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे.
यानी ये भी ऑक्सीकरण है Br2 की उपस्थिति में। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 यानी ब्रोमीन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 यानी ब्रोमीन। तो देखो ब्रोमीनो एकर ऑक्सीकरण करता है, लेकिन वो बहुत बढ़िया वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। Br2 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इस नाते ये ऑक्सीकरण तो करता है, लेकिन खाली है अगमे वाले के हेकर वो ऑक्सीकरण नहीं कर पाता है। और हेकरे पास ऑक्सीडेशन का मतलब या तो H2 निकल जाना या तो ऑक्सीजन जुड़ जाना। तो तुम बताओ कि क्या हेकरे पास H2 है क्या? तो तुम कहोगे नहीं है। इस नाते उसमें क्या जुड़ जाएगा दोस्तों? तो मन जुड़ जाएगा का ओ, यानी बन जाएगा COOH। और नीचवा वाला जैसे है ना, वो इसे छाप देना है और चील मारना भाई चील, एकदम आसान है यार, कुछ है थोड़े ना फालतू जुट्ठे को लिख दे ले माने। तो ये रहा, इसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम होता है दोस्तों? ग्लूकोनिक एसिड। यानी हम कहेंगे कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, व्हेन ग्लूकोज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ Br2, यानी जब ग्लूकोज की ऑक्सीकरण कराई जाती है बेसिक मीडियम ऑफ Br2, यानी जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्षारीय Br2 से कराया जाता है, बेसिक का मतलब होता है क्षारीय Br2 से कराया जाता है, तो ये ऑक्सीकरण तो करेगा, लेकिन बहुत भयानक बहुत अच्छा वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। ये नाते खाली ऊपर वाले के ऑक्सीकरण कर देगा, और जो बनाएगा उसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। This is the formula of gluconic acid. तो ये रहा हमारा अगला केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की अगली केमिकल प्रॉपर्टी है ये। चले आगे अब, तो ये देख लीजिए आप, ग्लूकोज का कुछ नहीं हुआ है, हाइड्रोजन है सीएचओरल इतन कमजोर है, ये नाते है के ना है खाली बदली, एमन खाली ओ जुड़ जाए, क्योंकि अगर पास H2 तो बट लेना ही है के नहीं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा ये मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। अगर यहां टालिन अभिकर्मक डाल देंगे, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन बोला जाता है उसे, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड टालिन रिएजेंट, यानी अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टालिन अभिकर्मक कहते हैं। वो मिलता है टालिन रिएजेंट मिल जाता है, उसमें इसमें आप डालोगे उसको, तो ये हेमन कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड में। तो आपने यहां लिखा कि टालेन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन बाय द टालेन रिएजेंट, ऑक्सीडेशन बाय द टालेन रिएजेंट। तो आप कहोगे व्हेन ग्लूकोज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ टालेन रिएजेंट देन इट मेक ग्लूकोनिक एसिड, यानी जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण टालेन अभिकर्मक की सहायता से किया जाता है तो वो ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण, ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण करता है। बस सिंपल सी बात है, ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण करेगा। चलिए समझ में आया ना? तो ये रहा हमारा फोर्थ या फिफ्थ नंबर। तो ये रहा ग्लूकोज का अगला केमिकल प्रॉपर्टी, जब टालेन अभिकर्मक से कराया जाएगा तो ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण होगा। ये आपको सब लिखना है, अलग अलग पार्ट बाय पार्ट ऐसे ही आपको लिख लेना, हेडिंग बाय हेडिंग। अच्छा चलेंगे अब नेक्स्ट, ये रहा ग्लूकोज, अब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे फेनिल हाइड्रोजीन से। फेनिल हाइड्रोजीन का मतलब होता है C6H5NHNH2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फेनिल हाइड्रोजीन, बहुत इंपॉर्टेंट MMI, बहुत है इंपॉर्टेंट। व्हेन ग्लूकोज, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजीन से कराई जाती है, व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद फेनिल हाइड्रोजीन, ये बहुत शानदार बहुत भयानक वाला रिएजेंट है, तो इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। दिस इज द कंपाउंड विच नेम इज फेनिल हाइड्रोजीन, ग्लूकोज इज रिएक्ट विथ फेनिल हाइड्रोजीन। जब ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजीन से अभिक्रिया करता है तो सिंपल सी बात, एकर दो मॉलिक्यूल करेगा, फेनिल हाइड्रोजीन हुआ का दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज से अभिक्रिया करता है। कैसे करता है ध्यान दीजिए, बताओ ऑक्सीजन हो फिर हाइड्रोजन के देखलस कि ना देखलस, एकदम फिदा हो जाता है, देखते होके और जैसे वो देखा तुरंत एकदम जो है फिदा है, अब बस ओके पाना चाहता है, इस नाते ई ऑक्सीजनवा हाइड्रोजनवा लेके कहाँ भाग जाएगा भाई? हनीमून पे। तो ई हाइड्रोजनवा ऑक्सीजनवा लेके हनीमून पे भाग गया।
बच गया जो उसको देखिए तो C सिंगल बॉन्ड H हाई डबल बॉन्ड था डबल बॉन्ड, यहां से जब H2 निकल गए N NH C6H5 बचा तो यहां वही लिखा जाएगा N NH C6H5 सिंगल बॉन्ड। ये एक ठो नहीं होता है, ये दूठ होता है, तो इन वहां से तो भगवे करता है हेमूस भाग जाता है। इस नाते ये जो NNH जुड़ रहा है ना वो यहां भी जुड़ता है सेकंड वाले कार्बन एटम पे, तो यहां भी आप जोड़ देंगे डबल बॉन्ड N NH C6H5 और सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो ये हमारे पास एक नया कंपाउंड बना व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद फेनिल हाइड्रोजन, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन से कराई जाती है देन इट फॉर्म ग्लूकोसाजोन, इसका नाम मैं लिख देता हूं फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्राजीन और इसका नाम है ग्लूकोसाजोन, 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 ग्लूकोसाजोन। तो ये जब ग्लूकोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन से कराया जाता है व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद फेनिल हाइड्रोजन देन इट फॉर्म ग्लूकोसाजोन, तब वो ग्लूकोसाजोन का निर्माण करता है और H2O बाहर निकल जाता है। बताइए समझ में आया ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया समझिए। या ओ H2 लेके भाग गया H2 और जो है H2 आप निकाल दोगे यहां से तो NNHC6H5 यहां भी जुड़ जाएगा, यहां से भी H2O निकल जाएगा और बच जाएगा NNH C6H5 वो यहां भी जुड़ जाएगा और ये कंपाउंड बनेगा जिसको कहते हैं ये गलत हो रहा है C6H5 बनेगा जिसको एक नया कंपाउंड बना जिसको हम कहते हैं ग्लूकोसाजोन, इसको हम कहते हैं ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोसाजोन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब अच्छे से याद रखिएगा। तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा ग्लूकोज के कुछ रासायनिक गुणों के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। एक और है, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया, जब ग्लूकोज जो है जाइमेज नामक एंजाइम के संपर्क में आता है, तो देखो एंजाइम्स हमने पीछे आपको बताया था, एंजाइम्स आर दोज केमिकल्स, यानी एंजाइम वे केमिकल होते हैं जो किसी जटिल पदार्थ को तोड़ करके छोटा कर देते हैं। एंजाइम्स आर दोज केमिकल्स विच कैन बी डिकम्पोज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इंटू सिंपल सिंपल कंपाउंड, यानी एंजाइम्स इस जो बड़ा बड़ा सा है ना इसको तोड़ करके छोटा कर देगा। तो हमने कहा कि अगर ये जाइमेज एंजाइम के संपर्क में आता है, जाइमेज हिंदी अंग्रेजी दोनों की है, जाइमेज एंजाइम के संपर्क में आता है तो इसका किंडवन हो जाता है, फर्मेंटेशन बोलते हैं उसे, किंडवन हो जाता है, किंडवन, किंडवन हो जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा और ये टूट जाएगा और बनाएगा दारू। क्या बनाएगा? दारू, यानी C2H5OH, ये है दारू, यानी ये है शराब। ये ही नाते जब रच के जिलेबी मार लब भी सुबहिया सुबह पहुंच गए और रच के आधा किलो जिलेबी मार दिया तो तुम्हारे शरीर उसमें जिलेबी में मीठा था, मीठा माने सुक्रोज, उ गया तुम्हारे पेट में, पेट में जब गया तो वहां इनवर्टेज नामक एंजाइम होता है, वो चीनिया के ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ दिया और वो छोटी आंत ने एब्जॉर्ब करके उसको तुम्हारे खून में भेज दिया। अब खून में अगर वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा है, अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो वह जो है वो जो उसका वो जो तुम्हारा ग्लूकोज है वो टूट करके एथिल अल्कोहल बना देगा और जिसके कारण तुम्हारे शरीर में जो मतलब तुम्हें क्या बोलते हैं मत जाओगे, एकदम मताहीन मताहीन लगेगा, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा दारू पी के आए हैं, इसी नाते बहुत ज्यादा मीठा खाना नहीं चाहिए भाई। तो ये रहा ग्लूकोज के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, बस अब थोड़े से बचा हुआ है। तो इसके बाद की जो हेडिंग है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की संरचना। नेक्स्ट हेडिंग इज ग्लूकोज की संरचना, क्या बच्चों? ग्लूकोज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये है नेक्स्ट हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज।